वाले। बहुत बढ़िया नितेश, बहुत बढ़िया नितेश, 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 वाह। सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे को नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं और मेरे मित्र पहुंचे हैं पंजा कंपटीशन में। विशाल जी और रोहित, इन दोनों का आज मैं पंजा लड़वाने वाला हूं। हसनपुर में हमारे पंजा कंपटीशन हो रहा था, हम लोग भी वहां पर देखने पहुंचे और इधर जो है पूरा सेट लगा हुआ है और जो पब्लिक जो है आनी शुरू हो गई है। इधर जो प्रोटीन वगैरह के डिब्बे वगैरह थे, यहां मंच लग चुका है जिस पर पंजा कंपटीशन शुरू होगा और इधर जो है पुरस्कार वगैरह भी रखे हैं और यहां पर बहुत अच्छे गाने चल रहे थे, आप भी सुनिए। तो उसी के बाद जो है खिलाड़ियों की होने लगी एंट्री और उसके साथ साथ खिलाड़ियों का होने लगा था वेट भी और हम लोग जो है खड़े होकर देख रहे थे कि यार हमारा भी काश शरीर होता या बॉडी होती तो हम जो लोग भी जो है कंपटीशन में हिस्सा लेते। जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर अपने वजन के अनुसार एंट्री करा रहे हैं। मैं बोला कि रोहित चल तू भी अपना जो है हाथ द पेच अपना ले, लेकिन ये लोग डर गए कि हाथ हाथ में निकल कर ना आ जाए। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, वो ऐसी बात नहीं थी। उसके बाद जो खिलाड़ी ट्रायल हेतु जो है अपने जो पंजे लड़ा रहे थे, देख रहे थे कि किस में है कितना दम, वो अभी देखना बाकी था क्योंकि कंपटीशन शुरू होने में अभी थोड़ा समय था। इसलिए खिलाड़ी जो है खुद ही अपने आप से जो है दाब पेच अपना रहे थे, रेत वेत हाथ से लगाकर जो है खिलाड़ियों को बता रहे थे किसको कोनी कहाँ और किसको पंजा कहाँ रखना है। और मैंने देखा ग्राउंड जो है पब्लिक से फिर गचागच भरने लगा। अभी तो खैर कम है लेकिन जो पहले के मुकाबले जो जनसंख्या यहाँ पर बढ़ गई है। उसी के बाद जो है हम तीन लोगों से बढ़कर पांच लोग हो गए, दो लोग और बढ़ गए। जो पीछे लकी है, लकी और लकी के जीजू भी वहाँ पर हम लोगों ने बुला लिए गेम देखने। और उसके बाद जो है वहाँ पर फिर एक बार देखिए पब्लिक जो है बेहिसाब यहाँ पर हो चुकी है और घिचपिच यहाँ होने लगी थी, धक्का मुक्कियाँ होने लगी थी। और उसी के बाद जो पहलवान जो खिलाड़ी जो पंजे कंपटीशन में आए हैं वो भी आ गए थे। और इसी के बाद जो खिलाड़ियों का हुआ स्वागत और इसका जो उद्घाटन करने के लिए ये खिलाड़ी भी आए हैं यहाँ पर, फीता काट कर जो है इस गेम को शुरू किया जाएगा। चलिए आप लोग भी देख लीजिए। देखो इसके कुछ रूल है वो मैं बताऊंगा आपको, सब सुने। और जो खास तौर से जो खिलाड़ी है वो तो सही से सुने बात को, कि अगर किसी का फाउल होता है ये इसको खेला किस तरीके से जाएगा मैं बताऊंगा अभी आपको। दो लड़कों की बुलाओ, 15 सेकंड दिए जाएंगे तुम्हें अपनी ग्रिप करने के। अगर तुमने अपनी ग्रिप नहीं करी, मतलब दोनों संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर मैं कराऊंगा ग्रिप अपने हिसाब से, ठीक है। अगर तुम्हारा खेलते में ये हाथ कौन इधर चली गई तो फाउल हो जाएगा। दो फाउल अगर आपने किए तो ये जीत जाएगा, इसने दो फाउल किए तो तुम जीत जाओगे, ठीक है। और फिर देखते ही देखते कंपटीशन के लिए दो प्रतियोगियों को बुला लिया गया है, जो कि मंच पर आकर अपने जो है हाथों को टाइट करके और पंजे को मिलाते हुए, और जो यहाँ पर उनके जो कोच हैं या जो यहाँ पर देखेंगे मुकाबले को, वो जो उनको अपनी जो बता रहे थे किस तरह से देखना, आप भी देखिए। पहले दो खिलाड़ियों में हार जीत का मुकाबला होने के बाद अगले दो खिलाड़ियों को बुला लिया गया है। देखिए जो खिलाड़ियों को किस तरह से अब बताया जा रहा है कि किस तरह से कैसे पंजे को लड़ाना है और कौन सा हाथ कहां पर रखना है। और ये इसी के साथ जो है पंजा एक दूसरे से टाइट करते हुए और जो वो बता रहे हैं डायरेक्शन दे रहे हैं कि किस तरह से कैसे रखना है और कहाँ कैसे हाथ को पकड़ना है, वो सारी चीज़ें अभी जो उनको बताई जा रही हैं जो यहाँ पंजा मुकाबला करा रहे हैं उनके द्वारा। ये कोई जिम ट्रेनर है और ये जो यहाँ पर अपना जो ऐड भी कर रहे हैं साथ साथ अपने जिम का, और उसी के साथ जो है यहाँ ये लोग जो है पंजा मुकाबला करा रहे हैं। इसमें जो चेतावनी दी गई थी कि इसमें अगर किसी को क्षति होती है, हानि होती है किसी की, तो वो उसका स्वयं जिम्मेदार होगा। इसकी एंट्री फीस 500 रुपये थी
और बेट के हिसाब से जो है यहाँ पंजा कंपटीशन हो रहा था। चलिए आप भी देख लीजिए ये पहलवान अपना दमखम किस तरह दिखाते हैं पंजा कंपटीशन में। लोगों के शरीर पर ना जाएं, लोगों के हुनर और लोगों की ताकत पर जाइए, देखिए इन दोनों में कौन जीतता है। देखिए देखने में एक लड़का पतला और एक लड़का थोड़ा शरीर में भारी लग रहा है, लेकिन दम किस में है ज़्यादा, आप लोग बने रहिए और देखिए हमारे साथ इस वीडियो में और आपको पता चलेगा। और इसी के साथ दोनों खिलाड़ियों के जो पंजे पसीने आने के कारण जो स्लिप हो गए हैं और इधर जो पब्लिक में बहुत उत्साह है, गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ क्योंकि जो सारे उत्सुक हैं देखने के और दोनों खिलाड़ियों ने पूरा जो दमखम दिखाया। अब जो हाथों को रोकने के लिए इनके हाथ में जो वेल्ट वगैरह बांध दी गई है जो कि आगे, ताकि इनके जो पंजे ना रपटें। और जो है खिलाड़ियों को जो बताया जा रहा है किस तरह से कहाँ को कैसे कैसे अपने जो पंजे रखने हैं और किस तरह से किसी को अपना जान और दम लगाना है, उस तो डायरेक्शन दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है मुकाबला कराने वाले की तरफ से। देखिए और लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे कहाँ हाथ रखना है, अब जो हाथ स्लिप ना हो पाए और किसको किस तरह से अपनी जो ताकत लगानी है। चलिए देखिए आप लोग भी। भाई इसे नहीं छोड़ने का। और इसके साथ दुबले पतले शरीर वाले पहलवान ने जो बाजी मार दी है पंजा कंपटीशन में और इसी के साथ हल्ला करके ग्राउंड में मजा खड़ा हो गया। और इसी के साथ जो इन दोनों के हाथों को खोला जा रहा है, तो दोस्तों देखिए फीलिंग इज बेटर नाउ। जो खिलाड़ी जो है इसकी तरफ के सब हाथ मिलाने के लिए उत्सुक थे और सपोर्ट कर रहे थे कि बहुत बढ़िया भाई, अच्छा काम किया और आपने जो हमारा नाम रोशन कर दिया। ये खिलाड़ी इधर जो है देख रहे थे खिलाड़ियों को और हम लोग भी जो है पंजा प्रदर्शन देखकर मुस्कुराते हुए घर की ओर चलते बने। आप लोगों को कैसा लगा कंपटीशन आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और हम भी फ्यूचर में पंजा कंपटीशन की तैयारी करेंगे।